गुवाहाटी के मालेगांव के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे राजादेव रॉय के परिवार का हाथ है। रघुवेंद्र गुप्ता की हत्या कर उसका शव बोरी में भरकर खिड़की से फेंका गया था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब तक दो नाबालिग समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी मानव तस्कर के साथ राजादेव राय रघुवेंद्र गुप्ता के घर आया जाया करता था, लेकिन 8 जुलाई की रात परिवार के साथ किसी बात पर रघुवेंद्र गुप्ता का झगड़ा हुआ। ऐसे में राजादेव राय ने सिर पर वार कर रघुवेंद्र गुप्ता को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। হল রীণা দেৱৰায়ৰ ল'ৰা। এই ৰাজা দেৱৰায়ে ৰঘুবেন্দ্ৰ দাস গুপ্তাক এটা মানে ভূটা অস্ত্ৰেৰে মূৰত প্ৰহাৰ কৰিলে বেকছাইডৰ পৰা, বা তেতিয়াই তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত রীণা দেৱৰায়, ৰাজা দেৱৰায় তেওঁৰ মাইনৰ ছোৱালী আৰু ওচৰৰে নেবাৰ ভাজতী বাই বোলা মানুহগৰাকী তেওঁ মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰে বা কাণেৰে শুনা নাপায়। তেওঁৰো মাইনৰ ছোৱালী এজনী, এই 5 মানুহে মিলি পেলাই রীণা দেৱৰায়ৰ ঘৰতে বডিটো এটা বস্তাত সুমুৱাই পেলাই বান্ধি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ খিৰিকী দি পিছফালে পেলাই দিলে।